नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं डेविड वॉर्नर के शानदार मात्र 56 बॉलों में लगाए गए शतक के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में पहला T20 मैच खेला गया, श्रीलंका टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का। इसमें श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग को ऑप्ट किया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन करने आए डेविड वॉर्नर और एरोन फिंच। एरोन फिंच ने शानदार पारी खेलते हुए 36 बॉलों में 64 रन बनाए। वहीं मैक्सवेल ने धमाकेदार पारी खेलते हुए 28 बोलों में 3 छक्के और 7 चौकों की मदद से 62 रन ठोक डाले। अब बात करें डेविड वॉर्नर की पारी की, तो इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। इन्होंने 4 लंबे-लंबे छक्के और 10 शानदार चौकों की मदद से 178 की स्ट्राइक रेट से 56 बोलों में शानदार शतक जड़ा। यह उनका T20 इंटरनेशनल में पहला शतक था। इसी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 39 शतक जोड़ दिए हैं। अब बात करें इनके शतक की, तो इनको ओवर की लास्ट 2 बॉलों में 3 रन जीते। उसमें इन्होंने शनाका की 1 बॉल पर 2 रन लिए और उसके बाद जो लास्ट बॉल थी उस पर 1 रन लेकर के अपना शानदार जो शतक है वो पूरा किया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को शानदार 233 रनों का टारगेट दिया और श्रीलंका इस टारगेट को चेज नहीं कर पाई और ऑस्ट्रेलिया 134 रनों से अपनी जीत दर्ज कर पाई। आपकी इस पर क्या राय है और डेविड वॉर्नर के इस तरीके के शतक को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।